Hello? Hello? Shoot when the bell rings. Selam sen. Good morning, good sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, partner. Good morning, Dinesh. How are you? अरे यार कल भी तुम पार्टी में नहीं आए. क्या गैदरिंग थी. एक से बढ़कर एक चीज. भाई कल हमें कुछ काम था इसलिए हम नहीं आ सके. और चलिए तुम सुधरोगे नहीं. ऊपर चलो. पार्टनर तुम ऊंचा सोचते हो. मैं ऊंचा सोचता हूं इसलिए मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस एक फ्लोर ऊंचा है. तुम हो नाइन्थ फ्लोर पे और मैं हूं टेंथ फ्लोर पे. बाय बाय. मालूम है. सर आपके साइन चाहिए. सुरेश साहब से करवा लो. वो अभी अभी गए. ओके सर. Good morning, sir. Good morning. अरे रजनी ये नई लड़की कौन है. क्यों देखते ही फिसल गई नजर. इसका नाम भी रजनी है. फिर तो ऑफिस में दो रजनियां हो गई. मैं हमेशा फोन करता तुम आती तो हो नहीं. अरे मैं बाद में फोन करूंगा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग कपूर. हाउ आर यू. फाइन सर. थैंक यू वेरी मच सर. सर
इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। ये सारे दस्तखत आप दिनेश साहब से करवा लें। एंड डोंट बोर मी। राइट सर। गुड मॉर्निंग, दिस इज एसएस शिपिंग कॉर्पोरेशन। दिनेश को फोन देना। आप कौन बोल रहे हैं? यूसुफ। कौन सर? अरे तुम कोई नई आई हो क्या? मालूम करो कहाँ है वो। यस सर। नहीं 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 यूसुफ मियां, तुमने गलत सुना है। भला मेरा आदमी तुम्हारे फोटो क्यों लेगा? तुम्हारे फोटो मेरे किस काम के? एक बात और, अगर मुझे फोन करना है तो घर पे फोन क्या करो। लेकिन तुम मेरी ओ हाँ, हमारे न्यू ईयर पार्टी में तो आ रहे हो ना? लेकिन भाई। हाँ जरूर आना यूसुफ मियां। सा सा गजब हो गया अब। सॉरी सर, सर गजब हो गया। यूसुफ का फोन सुरेश साहब को पहुंच गया था, मैंने रॉन्ग नंबर कह के बात संभाल ली। आप काफी समझदार हैं मिस्टर कपूर। शुक्रिया सर। ओ, ओ, आप बस आपका नमक खाता हूं सर। हेलो दिस इज हाय डार्लिंग, अमृत बोल रहा हूँ। नई नौकरी मुबारक हो। थैंक यू। शाम को मिल रही हो ना? घर पर? हाँ। ओके गुड लक, आई लव यू। बॉयफ्रेंड? वाओ दीदी इज लुकिंग ग्रेट। आंटी ये देखो ना, कितनी खूबसूरत लग रही मेरी बहन। हाँ लग रही है। और कितने अच्छे अच्छे तोहफे भेजे आप देखो ना। और ये शॉल आपके लिए। शॉल भेजा? देख लिया देख लिया। अपने देश में नौकरी की क्या कमी है जो विलायत में नौकरी कर रही है। रजनी लो आ गया। रजनी अरे भाई ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पार्टी में नहीं जाना क्या? मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। क्यों? अरे तुम्हारे ऑफिस की पार्टी है और वो भी न्यू ईयर पार्टी है। देखो यही तो एक मौका है दोस्ती बढ़ाने का, तरक्की हासिल करने का। अभी तक तो तुम सिर्फ सुरेश सक्सेना की टेलीफोन ऑपरेटर हो, कल तक तुम उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन सकती हो। जाओ पीओ कोड कर तैयार हो जाओ, जाओ। अरे भाई ये काम तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी मंगेतर रजनी तो कर सकती है। तुम मुझसे चोरी करवाना चाहते हो? जी 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 जी, कैसी बातें कर रही हो? अरे अभी चोरी करने को कौन कह रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मामूली सी फाइल लाने को कह रहा हूँ। क्यों मुझे कठपुतली बनाकर अपने इशारों पे न जाना चाहते हो? देखो रजनी, अगर तुम्हारी बहन को मालूम हो गया कि तुमने हिंदुस्तान में क्या क्या गुल खिलाए हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दिनेश साहब घर पे हैं? जी हाँ आइए। रजनी आओ। कम जॉन तुम जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाता हूं, जब तक तुम ये पढ़ो। वन ड्रिंक फॉर द लेडी। अच्छा ये तो बताइए मुझे टाइप क्या करना है? बताता हूँ। हैव अ सिप। हेलो दिनेश सर, सुरेश साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहाँ है वो? अपने बंगले पर है सर, तबीयत बहुत खराब है। मैं आ रहा हूँ। अच्छे एक्टर हो। क्या हुआ? सॉरी रजनी, सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना है, कल मिलेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। Thank you.
कैसे हैं तुम्हारे साहब? कैसे हैं? मजे में हैं। वो तो आपसे मिलने आपके बंगले गए हुए हैं। मेरे बंगले में? हाँ। वो फाइल सुरेश साहब के पास पहुंच गई। पेंटर बाबू, आपके लौंडिया ने तो मरवा दिया। मैं क्या करूं, ये थर्ड क्लास आईडिया भी तो आप ही का था। ना जाने अब क्या होगा। तुम यहाँ? बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद करके पीती है, और वो ये समझती है कि उसे कोई देख नहीं रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? दो निशान वाले बक्से में मंदिर की चुराई हुई मूर्तियां हैं जो न्यूयॉर्क भेजी जा रही हैं। तीन निशान वाले बक्से में सोने की ईंटें हैं जो दुबई से आई है। तो तुम ये सब कुछ जान चुके हो? तुम ये खेल बहुत खेल चुके दिनेश। एक तरफ मेरा अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर बनकर मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, और दूसरी तरफ कंपनी के नाम का फायदा उठाकर हर गैर कानूनी काम यानी कि स्मगलिंग करते रहे। तुम्हें मेरी फाइल मिल गई? हाँ, वो फाइल मुझे मिल गई है, वो फाइल जिसमें तुम्हारे तमाम काले धंधे लिखे हुए हैं, वो फाइल जिसमें तुम्हारे सारे हरामजादे साथियों के नाम पता और ठिकाने मौजूद हैं, और वो फाइल अगर पुलिस के हाथ लग गई तो 10 सालों तक जेल की सलाखों के अंदर चक्की पीसोगे। तुम्हारी आवाज में इसलिए दम है क्योंकि तुम अपने 20 आदमियों के बीच खड़े होकर बोल रहे हो। अगर तुम यहां अकेले होते तो मैं तुम्हारे 32 दांत 10 मिनट में निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देता। 32 दांत तुम निकालोगे 10 मिनट में? सिर्फ 10? सिर्फ 10 दिया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे 32 के 32 दांत बाहर निकालकर अपनी मैं जेब में रख सकता हूं। सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं
कि खाना खाने के लिए दांतों का मुंह में होना निहायत जरूरी है। चमगादड़, सिर्फ तुम्हें 30 दिनों की मोहलत दे रहा हूं। अगर तुमने कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया तो फिर तुम्हारी वो फाइल पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद तुम जानते हो, तुम्हारे ना दांत बचेंगे ना तुम्हारे हाथ, समझ गए? इतनी मार पड़ेगी, तब तक तुम इससे खेलो। समझ में नहीं आता उस फाइल के बारे में सुरेश को पता कैसे चला। ये देखो, ये क्या है? ये पर्स रजनी का है। इसका मतलब है उस रात रजनी यहां आई थी। सुरेश के हाथ वो फाइल रजनी ने पहुंचाई है। ब्लडी बिच, इस रजनी का खून होगा और उसका खून करेगा मेरा पार्टनर सुरेश सक्सेना। रजनी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इसे पहन लो, बहुत स्मार्ट लगेगी। ये किस लिए? कपूर साहब ने तुम्हारी नौकरी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से पक्की कर दी है सुरेश सक्सेना साहब के पास। हाँ, पूरे 3,000 रुपए मिलेंगे। आज तुम्हारी इंटरव्यू भी है, ठीक 2 बजे। जरूर किसी लड़की ने तुम्हें यहां काटा है। दफा हो यहां से। लेकिन मैं तो मोहब्बत करने के मूड में हूं। और चाहे तवायफी क्यों ना हो, मैं उसकी इज्जत करता हूं। दफा हो जाओ। अब एक खत लिखो, प्यारी अनीता दीदी, लिखो लिखो कि मैं सुरेश के बच्चे की मां बनने वाली हूं। लिखो। प्यारी अनीता दीदी, ये देखो। ये क्या है? एक खत जो कि मैंने अपनी बहन अनीता के नाम लिखा है। यह खत तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। ओह माय गॉड। इस खत में मैंने लिखा है कि तुमने मुझ कुमारी को मां बनाया और शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, ये झूठ है, लेकिन मैंने इसे खत में लिख दिया है। hey, मुझको ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। बोलो, तुम्हें कितनी दौलत चाहिए? मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मुझसे शादी कर लो, वरना। वरना क्या? वरना मैं अभी इसी वक्त तस्वीर मंदिर से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मेरी लाश के साथ पुलिस को तुम्हारा यह खत मिलेगा और तुम्हें सजाए मौत होगी। अब ये खत
पुलिस के हाथ लगेगा। और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ दो मुझे। कोई बता सकता है कि लड़की कौन है? ये ऐसे शिपिंग कॉर्पोरेशन में काम करती है। ये मिस्टर सुरेश सक्सेना के ऑफिस से गिरी है। मिस्टर सुरेश सक्सेना, माफ कीजिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे 22 रुपये बा भैये, रात की बेवड़े की बोतल और मुरली का बंदोबस्त हो गया, मगर ये क्या हो गया? ये क्या है? क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ओफ ओफ इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। वकील साहब, आप ही इन्हें समझाइए ना, कैसे बताऊं इन्हें कि उसने खुदकुशी की है मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की मगर वो कूद गई। लेकिन कूदने के बाद रजनी का वो खत कहां गायब हो गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। उस खत के बगैर सुरेश साथ छूट जाएगा। वो खत है कहां? मैं सुरेश सक्सेना से प्यार करती हूं, ये कौन सी नई बात है? मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये नई बात है? वो मुझसे मेरे पेट के बच्चे को मरवाना चाहता है, मुझसे छुटकारा चाहता है। बहुत चालू है बे, हैं? मैं इस इंसान से बहुत डरने लगी हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारी बहन रजनी। अपनी बहन का नाम लिखा हुआ खत उसने मुझे दिखाया और फिर वो नीचे कूद गई। मिस्टर सुरेश, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो खत पुलिस के हाथ नहीं लगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है रजनी बच्चे की मां बनने वाली थी। हाँ? बेटी, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया रानी। बस कीजिए आंटी,
बस कीजिए, मौत पे किसी का बस नहीं चलता। बेटी चल अंदर चल, अच्छा हो गया तू आ गई। देश हो या परदेश, अपना तो अपना ही होता है ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मिलॉर्ड, मिस्टर सुरेश सक्सेना इस शहर के मौजूद शहरी हैं, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि सुरेश सक्सेना को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। डैम इट, वो खत ना जाने कहां गायब हो गया। ठीक है, जमानत मंजूर की जाती है। मैं आर्या हूं, सुरेश सक्सेना। क्या कहना चाहते हो? बिजनेसमैन हूं भाई मिया, एक चिट्ठी बेचने आया हूं। कैसी चिट्ठी? वो चिट्ठी जो एक मुर्दा लमड़िया ने जिंदे को भेजी थी, मगर इस चिट्ठी के पोस्ट होने से पहले तुमने उस लमड़िया को ऊपर पोस्ट कर दिया। भागो मत, मैंने किसी को नहीं मारा है। मरना मारना मरवाना जे आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना जान रहा हूँ कि अगर ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लग गई ना भाई मियाँ, तो आपके 12 बज जाएंगे। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,000 रुपए दे दे। 20,000 के भी तुम्हारे बाप ने भी देखे हैं? देखे थे, मगर तेरी अम्मा ले गई, दो बड़ों के बीच में छोटा बोल लिया भाई मियाँ। घसीटा। ठीक है, ये रहे तुम्हारे 20,000। खत निकालो। खत वो ले लो, वो ले लो। ये तो फोटो कॉपी है। अरे तो 20,000 रुपल्ली में असली कॉपी कहाँ से मिलेगी भाई मियाँ? मजाक कर रहे हो? देख मार डालेगा, खून करेगा क्या? एक तो किया, दूसरा करेगा। अबे वो हरामजादे, जल्दी से असली खत दे दे, वरना गर्दन निकाल कर हाथ में दे दूंगा। वाची हो जाएगी, हाथ हो जाएगी। अबे छोड़ दे मेरा नड्डा, मार डालेगा क्या? असली चिट्ठी है, नूई दे दूं, ऐसे ही दे दूं, कैसे दे दूं? नहीं देता। जो कीमत चाहिए बोलो। पहले मैं 20,000 रुपये को खर्चा कर लूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि मुझे और कितने चाहिए हैंगे। आऊंगा और आके ले जाऊंगा, तैयार रखना बंडल। और मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ, सच कह रही हूँ, समझे? बहुत खतरनाक आदमी हूँ, दर्जनों खून कर बैठा हूँ भाई मियाँ। क्या मुझे आज से यही रहना होगा? अब तुम्हें कुछ दिन यही रहना पड़ेगा, क्योंकि सुरेश के लिए तुम मर चुके हो। अगर उसने तुम्हें कहीं जिंदा देख लिया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। फिर साहब जी, ये लीजिए सुरेश और रजनी की तस्वीरें। गुड, वेरी गुड। 10वें माले की खिड़की से गिरी थी, राम राम। सर फूटने की आवाज भी मैंने सुनी थी। बेचारी की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। किसने? सुरेश सक्सेना ने। भगवान जाने मेम साहब सच क्या है। वैसे सुरेश सक्सेना का कहना है कि उसने आत्महत्या की थी, मगर लोगों को शक है कि सुरेश सक्सेना ने लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। सुरेश सक्सेना बहुत पैसे वाला आदमी है मेम साहब, और पैसा क्या नहीं कर सकता। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि वो बदनसीब लड़की मेरी बहन थी। गॉड, आई एम सो सॉरी। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अंधे हो या अनाड़ी, गाड़ी नहीं चलानी आती तो मत चलाओ ना। ओ मां, आई एम सॉरी। चलिए आपको जहां चलना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। डोंट टच।
लक्ष्मी। आई सेड आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मेरी ड्रेस को सत्यानाश कर दिया। मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था, अब मैं इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगी? आप बिला वजह इतनी नाराज हो रही हैं। दरअसल आपको जाना कहाँ है? जहन्नुम में। जहन्नुम में? जहन्नुम का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अब तक वहां जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर आप कहें तो मैं चल के छोड़ देता हूँ। चलिए, आपके साथ सिर्फ मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, और वो भी ये जानने के लिए कि आपको लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए दे गए थे या लोगों की जान लेने के लिए। देखिए देवी जी, डोंट। ब्यूटीफुल। यस मैडम, आपको किससे मिलना है? जी, मैं प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी के लिए आई हूँ। वेल मैडम, हमारे यहाँ नौकरी का एक प्रोसीजर है जी। हम लोग नौकरी के लिए अखबार में इश्तेहार देते हैं, फिर दूसरे दिन एडवांस बुकिंग खुल जाती है, फिर एप्लीकेशन यहाँ से लेकर वहाँ तक जमा हो जाते हैं, फिर हम उनको पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बाद में सबको घर वापस पहुँचा देते हैं। मैडम, आज के जमाने में नौकरी तब मिलती है अगर आपकी जान पहचान है विद द मैनेजिंग डायरेक्टर या मिनिस्टर। फिर अगर नौकरी नहीं भी होगी, दे विल स्पेशली क्रिएटेड नौकरी फॉर यू आफ्टर 6:30 PM। गेट मी घसीटा प्लीज। यस, घसीटा ऑन द लाइन। ये लड़की जो आई है क्या चाहती है? सर, ये नौकरी चाहती है। एक काम करो, इसे फौरन अंदर भेज दो। ओके सर। तो तुम्हें नौकरी की तलाश है? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। बहुत खूबसूरत हो तुम। जी मैं, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जहन्नुम में जाए तुम्हारी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। यू डायनामाइट। घसीटा, इस लड़की का पीछा करो, पता लगाओ कहां रहती है, क्या करती है, गाड़ी ले जाओ। ओके सर। हेलो टार्जन। शट अप। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। आप क्या लेंगे? ये क्या हुआ घसीटा राम जी? अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? बाहर बारिश तो नहीं हो रही थी ना? अबे गटर में डुबकी लगाकर आ रहा है क्या? You may go now. गाड़ी कहाँ? गाड़ी ने आत्महत्या कर ली है, मैं तैरता हुआ यहां तक पहुंच गया हूं। उस लड़की का क्या हुआ बेवकूफ? मैंने लड़की की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से मालूम कर ली है। लड़की का मकान मैंने इस हालत में बहुत दूर से देख लिया। शाबाश, हम खुश हुए। सबसे पहले तो जाकर आप अपना हुलिया ठीक कीजिए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता लीजिए, मोहतरमा के दरवाजे पे जाइए, उनके दर पे सलाम करने के बाद मोहतरमा से कहिए कि वो हमारे साथ खाने की दावत कबूल फरमाए, हमने उन्हें होटल मून रॉक में याद किया है। देख बेटी देख,
कितने ढेर सारे फूल भेजे हैं तेरे लिए और साथ में खाने की दावत भी। जो कोई भी हो या तो बहुत बेशरम है या तुझे बहुत प्यार करता है। मेरी कहा मान बेटी तो एक बार दावत खा ही लो उसके साथ। हाँ। खाऊंगी, एक दावत तो जरूर खाऊंगी। दामन में फूल लेके बहार आ गई यहाँ, किसने कहा गुलों पे हक हमारा नहीं। अब आए हो फिर चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। क्या चाहते हो? उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। जो कहना है जल्दी कहो, मैं यहाँ तुम्हारी शायरी सुनने नहीं आई। मैं शायरी से प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं शायरी ना करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं शायरी ना करूं,
बजती रहेगी छम छम, बजती रहेगी छम छम। ओ मैं शायरी ना करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं शायरी दिनेश, तुम्हारा एक आदमी आया था मेरे पास फाइल लेने, मैंने उसे वापस रवाना कर दिया। यार क्या हुआ, पसीना छूट गया? ले ले ले। बाय द वे, तुम्हारे लिए एक पार्सल भेज रहा हूं, पुरानी दोस्ती के नाम कबूल फरमाना। पुरानी दोस्ती के नाम, बस्टर्ड। सर, ऐसे शिपिंग कॉर्पोरेशन से एक पार्सल आया है। क्या है इसमें, खोलो। फूल, ये कौन है आंटी? ये अमृत है बेटी, दोनों में बहुत दोस्ती थी। ये एक्टर है, स्टेज पर काम करता है। इसे रजनी की मौत का पता चला? जरूर पता होगा बेटी, मरग जात है ना, ये जान के भी अनजान बन जाते हैं। कमबख्त ने सूरत भी नहीं दिखाई, मुझे अकेली को ये सारा दुख झेलना पड़ा। कमाल है, ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी आ जाते हैं और ये दोस्त बनकर नहीं आया। अमृत अच्छा आदमी नहीं है बेटी, उसने रजनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सच कह रही हूँ, रजनी की डायरी मेरे पास है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद पढ़ लो। शाम को मैं अमृत से मिलने गई, उसे खबर दी मैंने, सोचा था वो खुश होगा, मगर वो नाराज हो गया। उसने मुझे बहुत मारा, मारते मारते वो थक गया, मगर मैं ये कहते कहते नहीं थकी कि जब तक मैं जिंदा हूं कि बच्चा पैदा होगा।
तो मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। मर्द ने तेरे लिए जंगे लड़ी, तेरे दामन में हीरे जवाहरात पे बस किए ताकि तू खुश रहे, मगर तूने मर्द को हमेशा धोखा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह तड़पा तड़पा के मारूंगा जहां तुझे पानी तक न मिले। I'm sorry, मैं आपके एक्टिंग में ऐसे खो गई थी कि बस। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं मिस्टर अमृत। आप मुझे जानती हैं? लीजिए, अदाकारी की दुनिया में ऐसा कौन सा प्रेमी है जो आपको नहीं जानता। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आप क्या किसी अखबार की रिपोर्टर हैं? जी नहीं, दरअसल एक्टिंग का शौक मुझे यहां तक खींच लाया है। मेरा नाम अनीता है, क्या मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ? क्यों नहीं, आप जितनी खूबसूरत और हसीन है उतनी खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस भी बन सकती है, बशर्ते कि आपके पास वक्त हो और जैसा मैं चाहूं वैसा ही करें तो। आप जो चाहेंगे मैं करूंगी अमृत जी। My heart is beating, keeps on repeating, I'm falling in love, I'm falling in love, I'm falling in love. My heart is beating, keeps on repeating. लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, अगर मैं एक्टर ना होता तो शायद चाय बनाने वाला होता। आप तशरीफ रखिए, आप ही फैसला कीजिए कैसी रही ये चाय। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है जल्दबाजी में, मेहमान नवाजी में। आप बिल्कुल साफ सुथरी आई थी, डाक्टर होकर जा रही है। अच्छा मैं चलती हूँ अमृत जी, बाय बाय। Bye, bye. क्या मैं आपसे ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि सारा दिन आप कहाँ थीं? इस सवाल को तो मैं गुस्ताखी ही कहूंगी, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना हिम्मत की बात है। जी जी, जब इस नाचीज ने सवाल पूछने की हिम्मत कर ही ली है तो हुजूर भी जवाब देने की तकलीफ फरमाए। पहले मैं सड़कों पे घूमती रही, एक फिल्म देखी। अजी आपके जाने पे कहां इतराज है हमें, आपके चल के जाने पे इतराज है, ट्रेन बस या टैक्सी में जाने पे इतराज है। आपके इस गुलाम के पास हुजूर बंदा परवर एक दर्जन गाड़ियां हैं, आइंदा से आप उनमें से किसी एक में जाया कीजिए। मान ली आपकी बात, आइंदा से आपको इस किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बहुत हो गई रात, इसी मसले पे करनी है बात। देखिए, आपके खादिम के मकान में मेहमानों के रहने के लिए 15 कमरे हैं, आप उनमें से किसी एक में रहिए ना। समझौता कर लेते हैं। क्या? दिन को मैं यहाँ रहूंगी और रात को आंटी के पास। इससे अच्छा ये नहीं कि शादी करके इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल कर ले। वक्त से पहले अगर तोड़ दिया जाए तो फल कच्चा रह जाता है। अरे हुजूर, फल पकने का हम कब तक इंतजार करें, यहाँ मौसम पे मौसम बीतते जा रहे हैं। अगर इजाजत दें तो फल हम तोड़ लें। फल जब पक जाता है तो उसे तोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आकर इंतजार करने वाले के दामन में गिर पड़ता है। ऐसे। बाय बाय। बाय बाय। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर गुप्ता, कंसाइनमेंट आपको बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएगा। आफत की पर काला, सुरेश मेरा लंगोटिया यार है। ओके मिस्टर गुप्ता। नहीं समझ रही है, तू क्या समझेगी लंगोट क्या होवे है, नू देख रही है। अरे कैसे बोलू लंगोट क्या होवे है, तू फोन लगा, फोन लगा ना। अरे सुसु क्या कर रही है, कौन है? भाई मिया, पूरे 2 घंटे हो गए तुम्हारे इंतजार करते करते, बैठे बैठे गुड़ी मुड़ी होके टांगे कला बत्तू बन गई, कोई मुझे ऊपर तुम्हारे पास जाने नहीं दे रहा, ऐसे बदतमीज नौकर। अरे चाहे तो दूर की बात रही, एक बूंद पानी को नहीं पूछ रहे। आहिस्ता बोलो, क्या चाहिए?
भाई मियां, 10,000 की दो गड्डियां दे दो, बहुत जरूरत है, पापी पेट का सवाल है, शैतान की हाथ हो रहा है, सुबह को भरो, शाम को खाली, शाम को भरो, सुबह को खाली, और फिर मांग लिया थाली। ये जाकर कैशियर को दे दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई मियां, तुम तो मेरे लिए चलते फिरते बैंक हो गए हो, अल्लाह मियां तुम्हें सलामत रखे, अपना ख्याल रखियो, दिन दहाड़े जाके पड़ रहे हैं कैशियर। यस सर। मोना, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यस सर। यस सर। जे टुकड़ टुकड़ उल्लू की तरह क्या देख रहे हो भाई, तुम्हारे सामने कोई जानवर खड़ा हुआ है क्या भाई मियां? आपको क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए बुझा नहीं मिलेगा, संतरा है, मौसम्बी है, नारंगी है, नहीं होगी, काला कुत्ता चाहिए हैगा। What? काला कुत्ता? मेरा मतलब ये हैगा कि काला कुत्ता छाप शराब चाहिए हैगी जे वाली। You mean black dog? हाँ जी। आपको मालूम है कितने की आती है? कितने की है जी? 750 रुपए की। लगता है आपकी 7.5 लग गई हैगी। अरे मेरे फटे कोट पे मत जाओ, अंदर छुपे हुए नोट पे जाओ। अब आए ना रास्ते पर, अब आई हाथ में बोतल, अब आई हाथ में बोतल, ये कौन आया? मोहतरमा, माफ कर देना, अंग्रेजी में सॉरी कर देना। But I'm not. जी मेरे पीछे क्या चल रहा हैगा? आपका हाथ चल रहा हैगा। लेकिन तुम काहे को चलता है? क्योंकि आप मुझे चला रही हैं, इसलिए मैं चल रहा हूँ। Black dog. ये शराब तुम अकेला पिएगा? अगर आप कहेंगी तो दुकेले पी लेंगे। Oh, really? मैनेजर। मैनेजर। Yes, please. ऊपर एक कमरा मिलेगा? कैसा कमरा मांगता है आपको? कमरा चाहिए ऊंचा दीवार वाला, और पलंग चाहिए छोटा निवार वाला, है जी। पुचुक पुचुक, क्या मजे की सुराई है कि ऊपर दबाओ नीचे पानी। पुचुक 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 पुचुक। मिस्टर दिलावर, इतना जल्दी क्या है, अभी वेट करो ना। मिस मलेरिया। हमारा नाम मलेरिया नहीं, मारिया है। मारिया, बहुत मजा आ रहा है, इंजन पूरी सेंटिंग पे जा रहा है, भरतपुर का प्लेट फार्म नहीं आ रहा है। तुम्हारा बदन से मरा हुआ चूहे का बास आता है। नहाने दो ना, चूहे का बास आ रहा है। जहाँ पे कोई नहाने धोने की जगह है क्या? इधर से नहीं, उधर से जाओ। मैं जा रहा हूँ, आंधी की तरह जा रहा हूँ और तूफान की तरह आ रहा हूँ। अच्छा। मगर तुम नहीं गड़ी रहना, कील की तरह मैं गया और नहा धो के आया, चील की तरह अभी आ रहा हूँ। मंजन कर लू, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, कोलगेट, कोलगेट। ये क्या उतर रहा है? क्या चमड़ी है? भूरी है, टोपा भी है, टोपा ले लो। गवाही काली झंडी, हीरा मंडी, दिलावर फुल पावर, फुल पावर, फुल पावर। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। बरसात में तुमसे मिले हम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, तुमसे मिले हम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, तक दिन अधिन। उसकी पॉकेट में और कुछ नहीं था सर, सिर्फ ये 19,700 कैश। 300 शायद खाने पीने में उड़ा दिए होंगे। कोई खत या कोई कागज नहीं मिला? नो सर, होटल के कमरे में तो मैं उसे बिल्कुल नंगा छोड़कर आई थी। What is this nonsense? दरोगा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे तुम्हारे ठंडे कमरे ने तो मुझे ठंडा कर दिया। अरे चश्मे वाले, मेरी पतलून गई, मेरी कमीज गई, अरे मेरा कोट गया, जहाँ तक के मेरे नोट चल गए। खाली झड़न झड़ावन को जे तौलिया रह गया है। वो भी होटल का है। वेटर, उतारो ये तौलिया। अरे उतार। तो ख्याल कर भैया, अगर तौलिया भी ले लिया तो बाकी का सामान काहे में लपेटूंगा। समझ ले, समझ ले। Thank you.
तुम ऐसा करोगी तो मैं सोचना और चलना दोनों भूल जाऊंगा। मैं भी यही चाहती हूं कि तुम सोचना और चलना दोनों भूल जाओ। ऐसा करोगी तो क्या करोगे? नहीं खेलना है, जाओ।
अबे ओ कबूतर, अपनी मनहूस सूरत लेके यहाँ क्यों आया? 20,000 रुपये दे दो। दोबारा कभी आया तो तेरी खोल के जूते बजा डालूंगा, समझा? देखो भाई मियाँ, मैं भी महल्ला बिल्ली मारान का हूँ। देखो भाई मियाँ, ऐसी रगड़ा मछली करी ना तो वो जो खतरे है मैं पुलिस में दे दूंगा, और उस लड़की के खून के इल्जाम में तुम फांसी चढ़ जाओगे। अबे तू एक ही बार उस खत का सौदा क्यों नहीं कर लेता? जितने पैसे तुझे चाहिए मैं दे दूंगा। बोल कितने चाहिए? 3 लाख 4 लाख 5 लाख बोल। अरे भाई मियाँ, इतने ढेर सारे रुपए लेकर मैं क्या करूँगा? इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाऊंगा क्या? ऐसे ही देते रहो। हल्लू हल्लू हल्लू। अमृत जी, कितने गुण हैं आप में। आप एक अच्छे अदाकार हैं, कलाकार हैं, फनकार हैं। बस एक ही जगह पर बैठी रहो, शाबाश। अमृत साहब कौन है जिस पर अनीता इस कदर मेहरबान है? एक पेंटर है, अनीता की बहन को शादी से पहले ही पेंट कर दिया, वो कमारी माँ बन गई और पेंटर बाबू शादी से मुकर गए। अच्छा, तो एक भाई ने प्रेग्नेंट कर दिया और दूसरे साहब ने रेप करके 10वीं मंजिल से धकेल के मार डाला बेचारी को, और अब उस बेचारी की बहन दोनों से बदला लेना चाहती है। कपूर जी, जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है। ब्लैकमेल दिलावा का क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं चला। पता चला हो, वो खत लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अबे मुर्गी के, धारावी से लेकर न्याय तक इतना टटराया है कि कान खा गया मेरे। मैं तुझे खाऊंगा, तेरा बनाऊंगा मुर्गे मुसल्लम और तेरी बनाऊंगा शाहजहानी बिरयानी। सुसरियो, तुमने बहुत सताया है, बहुत सताया है। ये खंबा कहाँ से आया है? ये खंबा नहीं है, ये तो कुतुब मीनार है, लेकिन कुतुब मीनार की तो दाढ़ी नहीं होती है। ये टोपी उतार ली, लगता है मैं अपने घर में नहीं जंतर मंतर में आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम सही जगह आए हो। काला चश्मा ये कहा गई, क्या आ गया? अरे मेरी बाल की खाल उतार ली, बुढ़ापे के बाले भाई मियाँ, दोबारा नहीं आने के मैं जा रहा हूँ। वो खत कहाँ है? कौन सा खत भाई मियाँ? मैं कोई लेटर बक्सा हूँ, कोई पोस्ट ऑफिस हूँ? अरे खत चाहिए तो भिंडी बाजार के पोस्ट ऑफिस में जाओ, मेरे पास में खत नहीं है भाई। बताओ वो खत कहाँ है जो तुम्हें रजनी की लाश के पास मिला था? ये नहीं मालूम भाई मियाँ, नहीं मालूम। कुर्सी गई, पंखा बना दिया, बता रही हूँ भाई मियाँ, खत कहाँ है बता रही हूँ। सुरेश सक्सेना ये, मुझे एक प्रेम पत्र मिला है। कौन दिनेश? इस खत को लिखने वाली वो लड़की है जिसे तुमने 10वीं मंजिल से फेंक के मार डाला। मेरे पास इन वाहियात बातों के लिए वक्त नहीं है। लिखा है, दीदी ये सुरेश सक्सेना बहुत खतरनाक इंसान है, मैं उस इंसान से बहुत डरने लगी हूँ, ये मुझसे मेरे पेट के बच्चे को मरवाना चाहता है। हाँ शट अप, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा सुरेश। किंग्स क्लब में मेरा फाइल लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें ये खत दे दूंगा। अबे ओ गोभी के फूल, अबे ओ टकले हकीम ताराचंद के औलाद, जल्दी से ट्रक हटा वरना सारा दांत तोड़ डालूंगा। अबे ओए, हाय
अच्छा हुआ साहब, बहुत अच्छा हुआ आपने सारे फोटोग्राफ जला दिए, अब सुरेश साहब को खाक मिलेगा। तुम यहाँ अब क्या लेने आए हो हैं? तुम्हारे साहब जाग रहे हैं सो रहे हैं? जो भी कर रहे हैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं उनकी तमाम परेशानियां दूर कर दूंगा, उन्हें बुलाओ, कहो एक दुश्मन आया है। और सुनो, हाँ, मेरे लिए एक कड़क चाय लाओ। कड़क चाय? पार्टनर कलिंगा खाओ, बहुत मजेदार है। इसे भी बांध कर तुम अपने घर ले जाओ। लगता है आज सरकार की तबीयत जरा नरम है। नरम भी है और नरम के साथ साथ गरम भी है। गरम तो होगी ही, क्योंकि तुम्हारा वो खत और मेरे वो फाइल अब दोनों मेरे कब्जे में हैं। अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं, और तुम्हारे लिए खतरे ही खतरा है। मैं जानता हूं वो पालतू कुत्ते तुम्हारे ही थे जो मेरी फाइल उड़ा ले गए। कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। तुम्हें तुम्हारी फाइल मिल गई, मुझे मेरा खत वापस लौटा दो, कीमत जो चाहिए बोलो। कीमत बहुत महंगी पड़ेगी मिस्टर सुरेश सक्सेना, मुझे कीमत नहीं, अब तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। अब अगर तुमने 30 दिन के अंदर कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया तो समझ लो वो खत पुलिस के हाथों में है और तुम जेल की सलाखों के पीछे। फांसी भी हो सकती है। नीच कमीने जलील, भगाओ यहां से, कॉल छोड़ो, स्त्री खराब हो जाएगी। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे जो जी में आए करो, लेकिन मैं तुम्हारे धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं एसएस शिपिंग कॉर्पोरेशन को स्मगलिंग का अड्डा नहीं बनने दूंगा, समझा? एंड नाउ गेट आउट, गेट आउट। मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे सकता हूं। लगता है मुझे तुम्हारी स्त्री खराब करनी ही पड़ेगी। घर का तो खुल गया, तकदीर का ताला कब खुलेगा? मेरा खत मुझे कब मिलेगा? अंगूर के बजाय लंगूर दिख रहे हैं। अबे आधे सफेद बालों वाले शीशे के घर में रह के भैये, गरीबों के कागजी खत नहीं छीना करते। मेरा खत मुझे दे दे, मेरा खत मुझे दे दे, दे दे खत मेरा मुझे। अरे अरे टेबल चली कबाट के पास ले आई, कबाट खत तक ले जाएगा। कबाट खुला हुआ भी और बंद भी है, नहीं खुल लिया है। अरे तो यहाँ खुला क्या हुआ है? सफेद बाल वाली की लट खुली हुई है, लगता है दोनों नशे में अंटा का फील है। दिलावर खान दिल्ली वाले, यही मौका है, डाल दे हाथ अंदर, चाबी अंदर ही है। अंदर ये चाबी, 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 चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? ये चांदनी चौक, लगता है बहुत पीली है तभी गर्दन ढीली है। चाबी चाबी कहाँ है? अरे सोरिया है, तकिए के नीचे चाबी होगी क्या? अरे चाबी नहीं हो सकती, हट 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 हट। पाकीज़ा आपके पांव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर न उतारिएगा नहीं तो मैले हो जाएंगे। अबे अबे चाबी ढूंढ, इस इलाके में नहीं है तो कहाँ है? चुम्मी दे दो तुम। अरे चुम्मी दे दो, चुम्मी दे दो, चुम्मी दे दो, चुम्मी दे दो। अबे बेकारे तू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात गए मेरे बिस्तर में। वही जो तू कर रहा है, इतनी रात गए इस बिस्तर में, इन सेलेक्ट कर रहा है। अब बता भिखारी तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो एक भिखारी दूसरे भिखारी के साथ करता है। अबे टकलू पोटली की तरह काल कोठरी में गाली जा रही है। अरे बाबू भाई निया, कबूतर का ख्याल रखना। कबूतर कबूतर खाना है क्या? गुटरू गुटरू गुटरू। साहब को इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर
मिस्टर दिनेश, आपके खिलाफ कंप्लेन है। कंप्लेंट? हाँ, दिलावर नाम के एक आदमी ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि कल रात तुम्हारे साथियों ने उसके घर जाकर उसे तंग किया और पीटा। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर। वो बदमाश मेरे पार्टनर सुरेश सक्सेना को ब्लैकमेल कर रहा था एक खत के जरिए। आइए, ये रहा वो खत। आपको याद होगा 2 जनवरी की शाम को रजनी नाम की एक लड़की मेरे पार्टनर के ऑफिस से गिरकर मर गई थी। ये खत उसी का लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लीजिए, रजनी के खूनी भी तशरीफ ले आए हैं। इंस्पेक्टर, आप इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। मिस्टर दिनेश, मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं अपने मालिक को? मालिक? मैं नकली पुलिस ऑफिसर हूं। डोंट मूव। सुरेश साहब, यही है वो लेटर जिसकी आपको जरूरत थी। तुमने फाइल जला दी, हमने लेटर जला दिया, हिसाब बराबर? नहीं, हिसाब अभी बाकी है। वो भी बराबर हो जाएगा। सुरेश साहब, पुलिस की इस वर्दी का क्या करूं? इस वर्दी को आप धोबी से धुलवा कर अपने घर में संभाल कर रख दीजिए, किसी और दिनेश के काम आएगी। और दिनेश साहब, तब तक आप इससे खेलते रहिए। दिनेश साहब, मैं सुरेश साहब का डॉक्टर हूं। मैंने आपसे एक बात छुपाई, मगर आज बता देना चाहता हूं कि सुरेश साहब दिल के मरीज हैं। किसी भी तरह का बोझ, सदमा या गुस्सा उनकी मौत का सबब बन सकता है, समझे आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपना फर्ज पूरा किया। आप दोनों की तकरार में अगर सुरेश साहब को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कौन सी खुशखबरी सुनाई डॉक्टर ने? सदमा? ऐसा कौन सा सदमा हो सकता है जो सुरेश की मौत का सबब बन सकता है? अनीता की बेवफाई। हेलो सर, मैं कपूर बोल रहा हूं। सर, सर क्या बात है कपूर? सर, आपके मंगेतर अनीता का एक पेंटर के साथ नाजायज रिश्ता है। हाँ सर, वो उसके साथ अक्सर आपसे छुपकर मड आइलैंड के कॉटेज में मिलती है। सर, वो दरअसल रजनी की बहन है और उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि उसकी बहन का खून आपने किया है। उसकी मोहब्बत एक बहाना है सर, वो आपका खून करना चाहती है। सुरेश, तुम्हें मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ सुरेश, मुझे बताओ ना। सुकिया, 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 डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, साहब की तबीयत ठीक नहीं है। सुरेश, तुम ले जाओ, सुरेश तुम ले जाओ। दिनेश साहब मुबारक हो, मुबारक हो दिनेश साहब, तीर निशाने पर लगा है, सुरेश साहब को दिल का दौरा पड़ा है। हाय देयर। हेलो दिनेश, मैं सुरेश से मिला हूं। क्यों, क्या बात है? सुरेश साहब को दिल का दौरा पड़ गया है, अंदर डॉक्टर आए हुए हैं। हेलो, मुझे दिनेश कहते हैं, सुरेश मेरा पार्टनर है। लेकिन उन्होंने कभी
आपका जिक्र नहीं किया। ये मेरी बदनसीबी है, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप सुरेश की जान लेना चाहती हैं, मौका अच्छा है। तुम्हारी इस बकवास का मतलब? मैं अमृत को भी जानता हूँ, तुम उससे भी बदला लेना चाहती हो। अच्छा मैं चला, फिर मिलेंगे। अगर जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं घर पर हूं। एक फोन आया था, बस उसी की वजह से परेशान हो गया। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं। फिक्र की बात है सक्सेना साहब, मेरी बात मानिए, आप लंदन चले जाइए, कुछ नए टेस्ट और चेकअप करवा लीजिए, एक हफ्ते ही की तो बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बहस करने से तो अच्छा है लंदन ही चला जाऊं। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा तो फिर शाम को मिलेंगे, ओके? कपूर। हेलो। यस सर। कपूर, अनीता नहीं आई? मैं तो पहले ही कह चुका हूं सर कि वो उस बदमाश पेंटर के चक्कर में है। कपूर, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूं कि मैं अनीता के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। दैट्स ऑल। आई एम सॉरी सर। सुरेश, तुम अपना पूरी तरह ख्याल रखना। हाँ डॉक्टर, थैंक यू। वहां की रंगीनियों में मैं अनीता को भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग डॉक्टर, बाय। हाय सुरेश, वाकई बहुत चालाक है। तुम्हें भी इस बात का यकीन दिला दिया कि वो मासूम है, बेकसूर है। मेरा दिल कहता है वो मासूम है, बेकसूर है। एक आदमी जिसके दिल में इतना प्यार, इस कदर मोहब्बत भरी हो, वो कैसे किसी की जान ले सकता है? कैसे किसी मासूम की इज्जत लूट सकता है? तुम्हारी बहन रजनी ही पहली नहीं जिसे सुरेश ने अपनी हवस का शिकार बनाया। रजनी से पहले और उसके बाद कई लड़कियां सुरेश के हाथों मजबूर होकर अपनी अजमत लुटा चुकी हैं। ये रहा वो सबूत। इसे रेप कहते हैं। इसे कहते हैं किसी मासूम की अजमत से खेलना। सुरेश और अमृत, दोनों से तुम्हें बदला लेना है, और ये बदला तुम कैसे लोगी मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बात समझ में नहीं आई अनीता, ये मकान तुम्हारा नहीं है? है नहीं, हो जाएगा मेरा और तुम्हारा, यानी कि हमारा। लेकिन इसका मालिक मकान कौन है, कहाँ है? लंदन में है, ऑपरेशन कराने के लिए गए हैं। तुम वीडियो देखो, ड्रिंक पियो, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। ओके। अमृत, इसे पहन लो, लगेगा अपने ही घर में बैठे हो। You are such a leading on.
क्या मजाक है? ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारी जलील जिंदगी से आजाद करना चाहती हूँ। ये मजाक छोड़ो, लाओ लाओ ये रिवॉल्वर मुझे दो। मैं मजाक नहीं कर रही अमृत, ये रिवॉल्वर भरा हुआ है, इसमें से सिर्फ एक गोली चलाऊंगी और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? सिर्फ तीन तक गिनूंगी और उसके बाद। हाँ, क्या तुम पागल हो गई हो? एक आखिर तुम चाहती क्या हो? दो। बचाओ, प्लीज हेल्प, ये लड़की मुझे मार देना चाहती है। तीन। नहीं नहीं अनीता, प्लीज नहीं। ये गोली नकली थी? बिल्कुल नकली थी। तक, तुम्हारा दिल तो अभी तक धड़क रहा है, सोचो तो अगर तुम्हारी जगह कोई दिल का मरीज होता तो अभी तक मर गया होता। ये कैसे मजाक था? ये मजाक नहीं था। मैं चाहती हूं इस मकान के मालिक की मौत गोली से नहीं, मौत के डर से हो, क्योंकि वो दिल का मरीज है। मगर क्यों? तुम इस मकान के मालिक को क्यों मारना चाहती हो? कौन है वो? वो मिस्टर सुरेश सक्सेना। यार सुरेश, तुम तो बहुत जल्दी लौट आए, कुछ दिन और आराम कर लिया होता। नहीं डॉक्टर, वहां जाकर मैंने महसूस किया कि मैं अनीता के बगैर नहीं रह सकता। अनीता ही मेरी जिंदगी का मकसद है। सुरेश सक्सेना की मौत मेरी जिंदगी का मकसद है और वो मकसद तुम पूरा करोगे, उसकी जान लेकर। उसकी जान लेकर तुम्हें तो तुम्हारा बदला मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया है सुरेश सक्सेना ने, उसके मरने के बाद वो 1 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा और साथ में मिलेगा ये बंगला। और वो 1 करोड़ रुपए जब मेरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और दुनिया भर के ऐशो आराम खुशियां हमारी हो जाएंगी। बेशक, मगर मेरे फांसी के फंदे पर लटकने के बाद। तुम सुरेश सक्सेना का खून करोगे लेकिन इल्जाम तुम पर नहीं आएगा। कपूर, अनीता कैसी है? सर, दो कश्तियों में सवार लड़की जैसी होनी चाहिए वैसी है। अब मेरा मतलब परेशान है सर। सुरेश दिल का मरीज है और तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम्हें उसका कत्ल नहीं करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। तुम उसे गुस्सा दिलवाओ, एक्साइट करो, शराब पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर ने उसे शराब पीने के लिए मना किया है, वो डर से भी मर सकता है। इस पिस्तौल में सब कारतूस नकली है, मैं ये पिस्तौल यहां इस ड्रॉ में रखूंगी, ठीक इस तस्वीर के नीचे। मैं ठीक 11:30 बजे फोन करूंगी, जब वो फोन उठाने के लिए आएगा तो तुम इस ड्रॉवर में से रिवॉल्वर को निकालकर उसकी छाती पर दबोच देना, गोली चला देना। I will kill that bastard. लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गोली उसी वक्त चलाना जब टेलीफोन की घंटी बजे। शूट व्हेन द बेल रिंग्स। हाँ
ओके माय लव, गुड नाइट, गुड नाइट। भाई मियां दिलावर खान दिल्ली वाले को दिल्ली का टिकट कटवा दो। कसम है दिल्ली की, बंबई वापस नहीं आऊंगा भाई मियां। आपके सफेद बाल काले हो जाएं, आपकी बीवियां जिए जहां जहां हो, आपके बच्चे जिए जहां जहां हो, छोड़ो मुझे। भाई मियां आपे तेरा सत्यानाश जाए, तेरे सारे बाल सफेद हो जाएं, जहां जहां भी हो। शमशेर, इस कबूतर का ख्याल रखना, जाओ। ओके बॉस। डार्लिंग, और कितने दिन यहाँ रहना होगा? बस अब कुछ और दिनों की ही बात है। अगर वो पेंटर अनीता की बात मान ले तो आज कल में ही सुरेश का खेल खत्म। तुम बहुत लापरवाह हो सुरेश, अभी ये जख्म भरा नहीं। दिल के जख्म आसानी से नहीं भरते डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूं। लगता है मुझे किसी की नजर लग गई। हो सकता है किसी मासूम की आह लग गई हो। मैंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। चलती हूं। वो ऊपर कमरे में है। मेरा नाम अमृत है, मैं एक चित्रकार हूँ। मैं सुनीता के लिए ये तस्वीर बनाई थी, इधर से गुजर आता, सोचा उन्हें देता जाऊं। तस्वीर? लेकिन अनीता ने कभी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। आप मिस्टर सुरेश सक्सेना है ना, जिनकी मशहूर शिपिंग कंपनी। तस्वीर नहीं, छोड़ दो, अनीता को मैं दे दूंगा। बहुत ही खूबसूरत है। कितने दिनों में बनाई? 15 दिन और उतनी ही रातों में। रातें? ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल ही गया था कि अनीता आपकी मंगेतर है। रातों से क्या मतलब था तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब बताओ। भागो! रातों से मतलब वक्त का वो पहलू है जिसमें अंधेरा होता है। अनीता दिन में तुम्हारे साथ सोती थी और रातों को मेरे साथ। हराम ज़्यादा, अगर ज़्यादा कुछ कहा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने हाथ अपने पास रखिए सक्सेना साहब, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं कि मैं आपका मेहमान हूं। जो रातें उसने मेरे साथ गुजारी थी उसका हिसाब मैं आपको दे सकता हूं। उन बाकी तमाम रातों का हिसाब आप किस किस से मांगेंगे? के 20 मिनट बस, सिर्फ
दस मिनट बाकी हैं। यस यस मिस्टर सुरेश सक्सेना, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, जिस तरह वो मेरे साथ सो चुकी है, उस तरह ना जाने वो कितने लोगों के साथ सो चुकी होगी। ओह नो, शट अप, शट अप। हाँ हाँ, उसने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक रचाया है। मैं उसे नहीं मानना चाहती, मैं उसे नहीं मानना चाहती। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं, मैं उसे नहीं मरने दूंगी, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। ज्यादा नखरे मत करो, खामोश खड़े रहो। तुमने ही अपने आशिक की मौत का ड्रामा रचाया था। शूट व्हेन द बेल रिंग्स। हेलो, स्पीक अप। बस अब किसी भी वक्त तुम्हारे आशिक के दिल की धड़कन रोक सकती है। एक धमाका और खेल खत्म। अभी का है ना मिस्टर सुरेश सक्सेना, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SS शिपिंग कॉर्पोरेशन। तुम बच कर नहीं जा सकते, तुम मेरे खून के इल्जाम में फांसी चढ़ोगे। कत्ल का इल्जाम मुझ पर नहीं, एक ऐसे शख्स पर लगेगा जो चोरी की नीयत से इस घर के अंदर घुसा था। आपने उस चोर को देखा, उसे पकड़ने की कोशिश की, आप में उस चोर में हाथापाई हुई। ऐसे ऐसे जमीन पर ये फेंका, और फिर इस खूबसूरत पीस को उठाकर ऐसे। Come on, सुरेश बाबू, no. मरने के लिए तैयार हो जाओ। Come on, shoot, shoot you bastard, shoot.
Bastard. तुम्हारी नाकामयाबी पे मुझे बड़ा अफसोस है मिस्टर अनाड़ी। खिलाड़ी से खेलना इतना आसान नहीं। मैं रोज सवेरे दबा कर कसरत करता हूं। मैं लंदन कैबरे देखने गया था, ऑपरेशन करवाने नहीं। डॉक्टर मेरा दोस्त है, मुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अनीता ने कहा था कि तुम दिल के मरीज हो, वो तुम्हारी मौत चाहती है। जान की सलामती चाहता है तो सच सच बता, इस साजिश के पीछे कौन है? अनीता नहीं हो सकती। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं जानता हूं वो भी मुझे प्यार करती है। बता। नो, 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 नहीं, 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 नो, 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 नहीं। तुमने उसकी तस्वीर जरूर बनाई है गधे, लेकिन अनीता तुम पे घास तक नहीं डालती। जो कुछ भी हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूं अनीता की जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हारी मौत है, चाहे वो पैसे की खातिर हो या बदले की खातिर। कैसा बदला? किस बात का बदला? मेरी बहन की मौत का बदला मिस्टर सुरेश सक्सेना। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम उसके कातिल हो। तुम्हारी बहन को मैंने मारा? हाँ हाँ सुरेश, तुमने मेरी बहन को मारा है। तुमने उसे बेआबरू करने की कोशिश की और उसने आत्महत्या कर ली। मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार तुम हो, तुम खूनी हो, कातिल हो। ये सब झूठा इल्जाम है। तुम्हारी बहन एक गिरी हुई औरत थी। देखो, मैंने उसकी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए, बल्कि वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी। तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती थी? किस लिए? पैसों के लिए? नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। ये सरासर झूठ है। वो शादी तुमसे नहीं, इससे करना चाहती थी। इसने उस मासूम के जज्बात से खेलकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया, और तुमने उसकी इज्जत पर हाथ डालकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम दोनों से बदला चाहती थी, बदला। अब तुम जान गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक क्यों रचा था। नाउ गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आउट, आउट। मिस्टर अमृत, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। क्यों क्यों क्यों, मैंने क्या किया? जो तुमने किया सब इसमें भर दिया। मैं तो चलिए 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 मेरी बात तो सुनो। ये क्या है? चलो मेरी बात तो सुनो। बेचारा आपका पार्टनर सुरेश, जो रजनी उससे मिली वो जिंदा है, और जो रजनी उससे नहीं मिली वो मर गई। भाईनिया, आप जिंदा हो? मैं तो आपकी समाधि में फूल चढ़ाने शमशान घाट चला गया था। चुप है। अरे चुप कराओ अपने पार्टनर उस हरामी दिनेश को। वो बोल लिया था आपका खेल खत्म, आपका माल हजम।
क्या बोला बे? और वो जासूसी चश्मा है ना, वो तो बोल लिया था कि जिस रजनी से तुम मिले थे वो जिंदा है और जिससे नहीं मिले थे वो मर गई है। अब कौन सी मर गई है कौन सी जिंदा है भाई मियां, आप गौर कर लो। सुरेश, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? चुप रहो, शोर मत करो। तू जिंदा कैसे? छोड़ो। बता तू जिंदा कैसे? सच सच बता, नहीं मैं जान से मार डालूंगा। धोखेबाज, ये ड्रामा क्या है? तू जिंदा कैसे बता, पता बोल। मैं तुझे जान से मार डालूंगा अगर तूने नहीं बताया कि तू जिंदा कैसे, बोल। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। उस दिन रजनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए सुरेश के ऑफिस आई। दिनेश रजनी को 9th floor अपने ऑफिस में ले गया और मैं रजनी की जगह सुरेश के ऑफिस में गई। अब एक खत लिखो। दिनेश ने रजनी को अनीता के नाम खत लिखने को कहा। तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने सुरेश को ब्लैकमेल किया, मुझसे शादी कर लो वरना। वरना क्या? वरना मैं अभी इसी वक्त तस्वीर मंदिर से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मेरी लाश के साथ पुलिस को तुम्हारा यह खत मिलेगा और तुम्हें सजाए मौत होगी। अब ये खत पुलिस के हाथ लगेगा। और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। समझ बैठा कि मैंने 10th मंदिर से कूदकर अपनी जान ले ली। मुझे माफ कर दो सुरेश, मुझे माफ कर दो। तो तुमने हमें बेवकूफ बनाया। पैदाइशी बेवकूफों को बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है दिनेश बाबू। कपूर साहब, अच्छा तो आप भी इन्हीं की घास खाते हैं? आज किस्मत मुझ पर मेहरबान है। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि इस बार मैंने अपने हाथों से इस रिवॉल्वर में गोलियां भरी हैं। ले जाओ इसको। अगर ज्यादा होशियारी की तो खूब धुलाई करो साले की। उठा कर फेंक दो साले को किसी गड्ढे में। सुरेश, सुरेश, अनीता। मैक, अनीता को गोदाम नंबर 35 में ले जाओ, क्योंकि सुरेश होश में आते ही सबसे पहले आएगा। आप बेफिक्र रहें, आप तक पहुंचने से पहले उसे बॉब से टक्कर लेनी पड़ेगी, और बॉब से लोहा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुरेश, सुरेश तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेगा।
सुरेश के फरिश्ते भी यहां नहीं पहुंच सकते हैं, ना ही वो बेचारा पुलिस के पास जा सकता है, इसलिए कि उसकी माशूका की ये खूबसूरत सुराहीदार गर्दन हमारे हाथों में है। तुम्हें ढूंढने में सुरेश अपना वक्त जाया करेगा और मैं हिंदुस्तान से फरार हो जाऊंगा। बॉब की हालत खराब कर दी, अब वो यही आ रहा, अब हम क्या करेंगे? क्या? मेन गेट बंद कर दो। सुरेश को मेरे पे खड़ा कर दो, जाओ जल्दी जाओ। मैं जाता हूँ। अपने जगह से हिलने की कोशिश की तो आस्तीन के साथ अनीता कहां है? तकरार खत्म, जवाब थे अनीता कहां? सारा नीता मिल चुकी है, इन्होंने उसे तहखाने में कैद करके रखा हुआ था। कहा है वो? सर वो कह रही थी वो बहुत शर्मिंदा है, आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, वो शायद घर चली गई। सुरेश तुम इस वक्त ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अनीता तो अपने सारे कपड़े लत्ते लेकर चली गई। क्या कह रही हो? तो क्या बुढ़ापे में तुमसे झूठ बोलूंगी? लेकिन वो गई कब? आज ही गई है बेटा, मेरे ख्याल से वो विलायत चली गई। लंदन। सुखिया मेरा सामान तैयार करो, मैं लंदन जा रहा हूँ। सुखिया मेरा भी सामान तैयार करो, मैं भी लंदन जा रहा हूँ। अरे क्लीनर से ड्राइवर बना दिया तो हवा में उड़ने लगे। सुखिया आ गए आप, ये क्या कोई घर आने का वक्त है? मना रहे थे। ओह माय गॉड, देखो डार्लिंग, जिस दिल में मैं रहता हूं ना उसमें जलन नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये घर
पति पत्नी और वो हो जाएगा। बच्चे कहाँ हैं? हाँ 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 हाँ, जैसे बच्चों की तुम्हें बहुत फिक्र है, कभी दफ्तर से जल्दी आकर होमवर्क करवाया है बच्चों को, या कंप्लेन आने पर कभी स्कूल गए हो ये पूछने के लिए कि बच्चे कितनी शरारतें करते हैं। बच्चों की तो बात अलग, तुम्हें तो मेरी फिक्र भी नहीं है। सारा दिन इस घर की चार दीवारियों में बंद रहती हूँ, और तुम उस मोटे होटो वाली सेक्रेटरी के साथ रंग रैलियां मनाते हो। हाँ देवी, क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, अगर शादीशुदा ड्रामे का पहला सीन ऐसा है तो फिर मुझे नहीं करनी है शादी। हम ऐसे ही भले हैं। सुखिया रे, सुखिया की तो मैंने आज छुट्टी कर दी है, आज इस घर में सिर्फ मैं और तुम अकेले। मैं तुझसे प्यार करूं, तबीयत बहुत खराब है, मैं आ रहा हूं। अच्छे एक्टर हो। क्या हुआ? सॉरी रजनी, सुरेश का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना है, कल मिलेंगे। अच्छा, मैं चलती हूं। ओके, बाय बाय। कैसे हैं तुम्हारे साहब? कैसे हैं? मजे में हैं। वो तो आपसे मिलने आपके बंगले गए हुए हैं। मेरे बंगले में? हाँ। फाइल सुरेश साहब के पास पहुंच गई। प्रिंटर बाबू, आपके लौंडिया ने तो मरवा दिया। मैं क्या करूं, ये थर्ड क्लास आईडिया भी तो आप ही का था। ना जाने अब क्या होगा।
सुरेश तुम यहाँ? बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद करके पीती है, और वो ये समझती है कि उसे कोई देख नहीं रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? दो निशान वाले बक्से में मंदिर की चुराई हुई मूर्तियां हैं जो न्यूयॉर्क भेजी जा रही हैं। तीन निशान वाले बक्से में सोने की ईंटें हैं जो दुबई से आई हैं। तो तुम ये सब कुछ जान चुके हो? तुम ये खेल बहुत खेल चुके दिनेश। एक तरफ मेरे अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर बनकर मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, और दूसरी तरफ कंपनी के नाम का फायदा उठाकर हर हर कानूनी काम यानी कि स्मगलिंग करते हैं। तुम्हें मेरी फाइल मिल गई? हाँ, वो फाइल मुझे मिल गई है, वो फाइल जिसमें तुम्हारे तमाम काले धंधे लिखे हुए हैं, वो फाइल जिसमें तुम्हारे सारे हरामजादे साथियों के नाम पता और ठिकाने मौजूद है, और वो फाइल अगर पुलिस के हाथ लग गई तो 10 सालों तक जेल की सलाखों के अंदर चक्की पीसोगे। तुम्हारी आवाज में इसलिए दम है क्योंकि तुम अपने 20 आदमियों के बीच खड़े होकर बोल रहे हो। अगर तुम यहां अकेले होते तो मैं तुम्हारे 32 दांत 10 मिनट में निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देता। 32 दांत तुम निकालोगे 10 मिनट में? सिर्फ दस दिया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे 32 के 32 दांत बाहर निकालकर अपनी मैं जेब में रख सकता हूं। सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं कि खाना खाने के लिए दांतों का मुंह में होना निहायत जरूरी है। चमगादड़, सिर्फ तुम्हें 30 दिनों की मोहलत दे रहा हूं। अगर तुमने कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया तो फिर तुम्हारी वो फाइल पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद तुम जानते हो, तुम्हारे ना दांत बचेंगे ना तुम्हारे हाथ, समझ गए? इतनी मार पड़ेगी, तब तक तुम इससे खेलो। समझ में नहीं आता उस फाइल के बारे में सुरेश को पता कैसे चला। ये क्या है? ये पर्स रजनी का है। इसका मतलब है उस रात रजनी यहां आई थी। सुरेश के हाथ वो फाइल रजनी ने पहुंचाई है। लाडी बिच, इस रजनी का खून होगा और उसका खून करेगा मेरा पार्टनर सुरेश सक्सेना। हाय रजनी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इसे पहन लो, बहुत स्मार्ट लगेगा। ये किस लिए? कपूर साहब ने तुम्हारी नौकरी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से पक्की कर दी है सुरेश सक्सेना साहब के पास।
हाँ, पूरे 3000 रुपए मिलेंगे। आज तुम्हारी इंटरव्यू भी है, ठीक 2 बजे। जरूर किसी लड़की ने तुम्हें यहाँ काटा है। दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन मैं तो मोहब्बत करने के मूड में हूँ। और चाहे तवायफी क्यों ना हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। दफा हो जाओ। अब एक खत लिखो, प्यारी अनीता दीदी, लिखो लिखो कि मैं सुरेश के बच्चे की मां बनने वाली हूं। लिखो। प्यारी अनीता दीदी, ये देखो। ये क्या है? एक खत जो कि मैंने अपनी बहन अनीता के नाम लिखा है। यह खत तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। ओह माय गॉड। इस खत में मैंने लिखा है कि तुमने मुझ कुमारी को मां बनाया और शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, ये झूठ है, लेकिन मैंने इसे खत में लिख दिया है। ए, मुझको ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। बोलो, तुम्हें कितनी दौलत चाहिए? मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मुझसे शादी कर लो, वरना वरना क्या? वरना मैं अभी इसी वक्त तस्वीर मंदिर से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मेरी लाश के साथ पुलिस को तुम्हारा यह खत मिलेगा और तुम्हें सजाए मौत होगी। अब यह खत पुलिस के हाथ लगेगा। और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ दो मुझे। कोई बता सकता है कि लड़की कौन है? ये ऐसे शिपिंग कॉर्पोरेशन में काम करती है। ये मिस्टर सुरेश सक्सेना के ऑफिस से गिरी है। मिस्टर सुरेश सक्सेना, माफ कीजिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे
अरे 22 रुपये वाह भैये, रात की बेवड़े की बोतल और मुर्गी का बंदोबस्त हो गया, मगर ये क्या हो गया, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ओफ इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। वकील साहब आप ही इन्हें समझाइए ना, कैसे बताऊं इन्हें कि उसने खुदकुशी की है मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की मगर वो कूद गई। लेकिन कूदने के बाद रजनी का वो खत कहां गायब हो गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। उस खत के बगैर सुरेश साथ छूट जाएगा। वो खत है कहां? मैं सुरेश सक्सेना से प्यार करती हूं, ये कौन सी नई बात है? मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये नई बात है? वो मुझसे मेरे पेट के बच्चे को मरवाना चाहता है, मुझसे छुटकारा चाहता है, बहुत चालू है बे हैं? मैं इस इंसान से बहुत डरने लगी हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बहन रजनी। अपनी बहन का नाम लिखा हुआ खत उसने मुझे दिखाया और फिर वो नीचे कूद गई। मिस्टर सुरेश, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो खत पुलिस के हाथ नहीं लगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है रजनी बच्चे की मां बनने वाली थी। हाँ? रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया रानी। बस कीजिए आंटी, बस कीजिए, मौत पे किसी का बस नहीं चलता। बेटी चल अंदर चल, अच्छा हो गया तू आ गई। देश हो या परदेश, अपना तो अपना ही होता है ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मिलॉर्ड, मिस्टर सुरेश सक्सेना इस शहर के मौजिज शहरी हैं, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि सुरेश सक्सेना को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। That's all, Your Honor. Damn it, वो खत ना जाने कहां गायब हो गया। ठीक है, जमानत मंजूर की जाती है। मैं आर्या हूं, सुरेश सक्सेना। क्या कहना चाहते हो? बिजनेसमैन हूँ भाई मियाँ, एक चिट्ठी बेचने आया हूँ। कैसी चिट्ठी? वो चिट्ठी जो एक मुर्दा लमड़िया ने जिंदे को भेजी थी, मगर इस चिट्ठी के पोस्ट होने से पहले तुमने उस लमड़िया को ऊपर पोस्ट कर दिया। भको मत, मैंने किसी को नहीं मारा है। मरना मारना मरवाना जे आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना जान रहा हूँ कि अगर ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लग गई ना भाई मियाँ, तो आपके 12 बज जाएंगे। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,000 रुपए दे दे। 20,000 के भी तुम्हारे बाप ने भी देखे हैं? देखे थे, मगर तेरी अम्मा ले गई, दो बड़ों के बीच में छोटा बोल लिया भाई मियाँ। घसीटा। ठीक है, ये रहे तुम्हारे 20,000। खत निकालो। आ, आ, खत, वो ले लो, वो ले लो।
ये तो फोटो कॉपी है। अरे तो 20,000 रुपल्ली में असली कॉपी कहाँ से मिलेगी भाई मियाँ? मजाक कर रहे हो? खून करेगा क्या? एक तो किया, दूसरा करेगा। अबे वो हरामजादे, जल्दी से असली खत दे दे, वरना गर्दन निकाल कर हाथ में दे दूंगा। माची हो जाएगी, हाथ हो जाएगी। अबे छोड़ दे मेरा नड्डा, मार डालेगा क्या? असली चिट्ठी है, नुई दे दूं, ऐसे ही दे दूं, कैसे दे दूं? नहीं देता। जो कीमत चाहिए बोलो। पहले मैं 20,000 रुपयों को खर्चा कर लूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि मुझे और कितने चाहिए हैंगे। आऊंगा और आके ले जाऊंगा, तैयार रखना बंडल। और मैं बंडल नहीं मार रही हूँ, सच कह रही हूँ, समझे? बहुत खतरनाक आदमी हूँ, दर्जनों खून कर बैठा हूँ भाई मियाँ। क्या मुझे आज से यही रहना होगा? अब तुम्हें कुछ दिन यही रहना पड़ेगा, क्योंकि सुरेश के लिए तुम मर चुके हो। अगर उसने तुम्हें कहीं जिंदा देख लिया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। कैसा आप जी? ये लीजिए सुरेश और रजनी की तस्वीरें। गुड, वेरी गुड। दसवें माले की खिड़की से गिरी थी, राम राम। सर फूटने की आवाज भी मैंने सुनी थी। बेचारी की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। किसने? सुरेश सक्सेना ने। भगवान जाने मेम साहब सच क्या है। वैसे सुरेश सक्सेना का कहना है कि उसने आत्महत्या की थी, मगर लोगों को शक है कि सुरेश सक्सेना ने लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। सुरेश सक्सेना बहुत पैसे वाला आदमी है मेम साहब, और पैसा क्या नहीं कर सकता। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि वो बदनसीब लड़की मेरी बहन थी। Oh my God, I'm so sorry. आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अंधे हो या अनाड़ी? गाड़ी नहीं चलानी आती तो मत चलाओ ना। Oh माँ। I'm sorry. चलिए आपको जहाँ चलना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। Don't touch me. I said I'm sorry. I'm sorry. मेरी ड्रेस को सत्यानाश कर दिया। मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। अब मैं इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगी? आप बिला वजह इतनी नाराज हो रही है। दरअसल आपको जाना कहाँ है? जहन्नुम में। जहन्नुम में? जहन्नुम का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अब तक वहां जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। अगर आप कहें तो मैं चलकर छोड़ देता हूं। चलिए आपके साथ। सिर्फ मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूं, और वो भी ये जानने के लिए कि आपको लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए दिया गया था या लोगों की जान लेने के लिए। देखिए देवी जी, डोंट। ब्यूटीफुल। यस मैडम, आपको किससे मिलना है? जी मैं प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी के लिए आई हूँ। वेल मैडम, हमारे यहाँ नौकरी का एक प्रोसीजर है। जी। हम लोग नौकरी के लिए अखबार में इश्तेहार देते हैं, फिर दूसरे दिन एडवांस बुकिंग खुल जाती है, फिर एप्लीकेशन यहाँ से लेकर वहाँ तक जमा हो जाते हैं, फिर हम उनको पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बाद में सबको घर वापस पहुँचा देते हैं। मैडम आज के जमाने में नौकरी तब मिलती है अगर आपकी जान पहचान है विद द मैनेजिंग डायरेक्टर या मिनिस्टर। फिर अगर नौकरी नहीं भी होगी, दे विल स्पेशली क्रिएट ए नौकरी फॉर यू आफ्टर 6:30 PM। गेट मी द सीटा प्लीज। यस गसिट ऑन द लाइन। ये लड़की जो आई है क्या चाहती है? सर ये नौकरी चाहती है। एक काम करो, इसे फौरन अंदर भेज दो। ओके सर। Thank you.
सर। तो तुम्हें नौकरी की तलाश है? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। बहुत खूबसूरत हो तुम। जी मैं, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जहन्नुम में जाए तुम्हारी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। यू डायनामाइट घसीटा। Yes, इस लड़की का पीछा करो, पता लगाओ कहां रहती है, क्या करती है, गाड़ी ले जाओ। ओके सर। हेलो टार्जन। शट अप। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। आप क्या लेंगे? ये क्या हुआ घसीटा राम जी? अरे ये क्या होलिया बना रखा है? बाहर बारिश तो नहीं हो रही थी ना? अबे गटर में डुबकी लगाकर आ रहा है क्या? You may go now. गाड़ी कहाँ है? गाड़ी ने आत्महत्या कर ली है, मैं तैरता हुआ यहां तक पहुंच गया हूं। उस लड़की का क्या हुआ बेवकूफ? मैंने लड़की की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से मालूम कर ली है। लड़की का मकान मैंने इस हालत में बहुत दूर से देख लिया। शाबाश, हम खुश हुए। सबसे पहले तो जाकर आप अपना हुलिया ठीक कीजिए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता लीजिए, मोहतरमा के दरवाजे पे जाइए, उनके दर पे सलाम करने के बाद मोहतरमा से कहिए कि वो हमारे साथ खाने की दावत कबूल फरमाए, हमने उन्हें होटल मून रॉक में याद किया है। देख बेटी देख, कितने ढेर सारे फूल भेजे हैं तेरे लिए और साथ में खाने की दावत भी। जो कोई भी हो, या तो बहुत बेशरम है या तुझे बहुत प्यार करता है। मेरी कहा मान बेटी, तो एक बार दावत खाई लो उसके साथ। हाँ। खाऊंगी, एक दावत तो जरूर खाऊंगी। दामन में फूल लेके बहार आ गई यहाँ, किसने कहा गुलों पे हक हमारा नहीं, अब आए हो फिर चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। क्या चाहते हो? उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। जो कहना है जल्दी कहो, मैं यहाँ तुम्हारी शायरी सुनने नहीं आई। मैं शायरी तुझसे प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं शायरी ना करूं, मैं तुझसे प्यार करूं।
खुशबू
हेलो दिनेश, तुम्हारा एक आदमी आया था मेरे पास फाइल लेने, मैंने उसे वापस रवाना कर दिया यार। क्या हुआ, पसीना छूट गया? ले ले ले। बाय द वे, तुम्हारे लिए एक पार्सल भेज रहा हूं, पुरानी दोस्ती के नाम, कबूल फरमाना। पुरानी दोस्ती के नाम, बस्टेड। सर, ऐसे शिपिंग कॉर्पोरेशन से एक पार्सल आया है। क्या है इसमें, खोलो। फूल, ये कौन है आंटी? ये अमृत है बेटी, दोनों में बहुत दोस्ती थी। ये एक्टर है, स्टेज पर काम करता है। इसे रजनी की मौत का पता चला? जरूर पता होगा बेटी, मरग जात है ना, ये जान के भी अनजान बन जाते हैं। कमबख्त ने सूरत भी नहीं दिखाई, मुझे अकेली को ये सारा दुख झेलना पड़ा। कमाल है, ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी आ जाते हैं और ये दोस्त बनकर नहीं आया। अमृत अच्छा आदमी नहीं है बेटी, उसने रजनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सच कह रही हूँ, रजनी की डायरी मेरे पास है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद पढ़ लो। शाम को मैं अमृत से मिलने गई, उसे खबर दी मैंने, सोचा था वो खुश होगा, मगर वो नाराज हो गया। उसने मुझे बहुत मारा, मारते मारते वो थक गया, मगर मैं ये कहते कहते नहीं थकी कि जब तक मैं जिंदा हूं कि बच्चा पैदा होगा। औरत, तू मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। मर्द ने तेरे लिए जंगे लड़ी, तेरे दामन में हीरे जवाहरात पेवस किए ताकि तू खुश रहे, मगर तूने मर्द। हेलो हेलो, शूट व्हेन द बेल रिंग्स। Oh,
सलाम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पार्टनर। गुड मॉर्निंग दिनेश, हाउ आर यू? अरे यार, कल भी तुम पार्टी में नहीं आए। क्या गैदरिंग थी, एक से बढ़कर एक चीज। भाई कल हमें कुछ काम था इसलिए हम नहीं आ सके। और चलिए, तुम सुधरोगे नहीं, ऊपर चलो। पार्टनर, तुम ऊंचा सोचते हो। मैं ऊंचा सोचता हूं इसलिए मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस से एक फ्लोर ऊंचा है। तुम हो 9th फ्लोर पे और मैं हूं 10th फ्लोर पे। बाय बाय। मालूम है। सर, आपके साइन चाहिए। सुरेश साहब से करवा लो, वो अभी अभी गए। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे रजनी, ये नई लड़की कौन है? क्यों, देखते ही फिसल गई नजर। इसका नाम भी रजनी है। फिर तो ऑफिस में दो रजनियां हो गई। मैं हमेशा फोन करता, तुम आती तो हो नहीं। अरे मैं बाद में फोन करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कपूर, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। ये सारे दस्तखत आप दिनेश साहब से करवा लें। एंड डोंट बोर मी। राइट सर। गुड मॉर्निंग, दिस इज एसएस शिपिंग कॉर्पोरेशन। दिनेश को फोन देना। आप कौन बोल रहे हैं? यूसुफ। कौन? अरे तुम कोई नहीं आई हो क्या? मालूम करो कहाँ है वो। यस सर। नहीं 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 यूसुफ मियां, तुमने गलत सुना है। भला मेरा आदमी तुम्हारे फोटो क्यों लेगा? तुम्हारे फोटो मेरे किस काम के? एक बात और, अगर मुझे फोन करना है तो घर पे फोन क्या करो। लेकिन तुम मेरी ओ हाँ, हमारे न्यू ईयर पार्टी में तो आ रहे हो ना? लेकिन भाई। हाँ जरूर आना यूसुफ मियां। सर, सर गजब हो गया। अब सॉरी सर, सर गजब हो गया। यूसुफ का फोन सुरेश साहब को पहुंच गया था, मैंने रॉन्ग नंबर कह के बात संभाल ली। आप काफी समझदार हैं मिस्टर कपूर। शुक्रिया सर। ओ, ओ, आप बस आपका नमक खाता हूं सर। हेलो, दिस इज हाय डार्लिंग, अमृत बोल रहा हूं। नई नौकरी मुबारक हो। थैंक यू। शाम को मिल रही हो ना? घर पर? हाँ। ओके, गुड लक, आई लव यू। बॉयफ्रेंड? वाओ, दीदी इज लुकिंग ग्रेट। आंटी, हाँ? ये देखो ना, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहन। हाँ, हाँ लग रही है। और कितने अच्छे अच्छे तोहफे भेजे आप, देखो ना। और ये शॉल आपके लिए। शॉल भेजा। देख हा? लिया, देख लिया। अपने देश में नौकरी की क्या कमी है जो विलायत में नौकरी कर रही है। रजनी, लो आ गया। रजनी, अरे भाई ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पार्टी में नहीं जाना क्या? मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। क्यों? अरे भाई तुम्हारे ऑफिस की पार्टी है और वो भी न्यू ईयर पार्टी है। देखो यही तो एक मौका है दोस्ती बढ़ाने का, तरक्की हासिल करने का। अभी तक तो तुम सिर्फ सुरेश सक्सेना की टेलीफोन ऑपरेटर हो, कल तक तुम उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन सकती हो। जाओ पीओ कोड कर, तैयार हो जाओ, जाओ कमन। अरे भाई ये काम तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी मंगेतर रजनी तो कर सकती है। तुम मुझसे चोरी करवाना चाहते हो? जी 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 जी, कैसी बातें कर रही हो? अरे अभी चोरी करने को कौन कह रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मामूली सी फाइल लाने को कह रहा हूँ। क्यों मुझे कठपुतली बनाकर अपने इशारों पे न जाना चाहते हो? देखो रजनी, अगर तुम्हारी बहन को मालूम हो गया कि तुमने हिंदुस्तान में क्या क्या गुल खिलाए हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दिनेश साहब घर पे हैं? जी हाँ, आइए। रजनी आओ। कम
जॉन तुम जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाता हूं, जब तक तुम ये पढ़ो। One drink for the lady. Thank you. अच्छा ये तो बताइए मुझे टाइप क्या करना है? बताता हूँ. Have a sip. Hello, Dinesh. Sir, सुरेश साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ है वो? अपने बंगले पर है सर।